नमस्कार, मैं श्रुति बोरा, स्वागत करती हूँ आपका द नेशनल टीवी में। हम बात कर रहे हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में। 17वें लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान शुरू, 9 राज्यों में 72 सीटों पर होंगे मतदान। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे भोपाल, कहा सीपीआई कार्यालय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार का समर्थन करते हैं। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप पर गौतम गंभीर ने कहा जिनके पास विजन नहीं होता है वे ऐसे आरोप लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में कई पोलिंग बूथों पर हिंसा की खबरें सामने आई। स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की गाड़ी से तोड़फोड़ भी पाई गई। वाराणसी में 6 महीने से नौकरी कर रहा जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रहने वाला एक संदिग्ध अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है संदिग्ध का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बाधा डालने का हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को इसकी वाराणसी में मौजूद होने की सूचना मिली थी। लखनऊ के गोमती नगर में चालान काटे जाने पर बाइक सवार 4 युवकों ने की दरोगा और सिपाहियों के साथ मारपीट। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल को लेकर सोमवार प्रशासन स्तर पर लखनऊ में हाई पावर कमेटी की बैठक रखी गई है। जमीन की उपलब्धि पर हरी झंडी मिलते ही एनसीआरटीसी की ओर से काम शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। मुजफ्फरनगर में 12वीं का रिजल्ट घोषित, लगभग 573 छात्रों को मिले 52 अंक। एक समान अंक मिलने से शासन में मचा हड़कंप। बढ़ती गर्मी के चलते बरेली में पेट संबंधित समस्याओं में इजाफा, अस्पतालों में भीड़ नजर आई। गुरुग्राम के शिवाजी नगर में 62 वर्षीय बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसा कर लगभग 3 लाख रुपयों की ठगी का मामला। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।